दिगरा शहर में अतिक्रमण हटाने की मुहिम युद्ध स्तर पर जारी है। नालियों पर किए गए अतिक्रमण को हटाकर नालियों को खोला गया है। अतिक्रमण हटाने की इस मुहिम में बीते 20 से 25 सालों से जमींदस्त हुई कई नालियां आजाद हुई है। इस कड़ी में अब सोमवार को हाईवे सहित शहर के अंदरूनी हिस्से में स्थित मार्केट परिसर के दुकानों के अतिक्रमण शेड हटाने की मुहिम शुरू की गई है। जूना बस स्टैंड और नगर पालिका के सामने से गुजरने वाले हाईवे पर स्थित छोटी बड़ी दुकानों और एक निजी बैंक के एटीएम सेंटर के सामने अतिक्रमित शेड इस दौरान जेसीबी से हटाए गए। इस कार्रवाई को लेकर दुकानदारों और व्यवसायियों में तीव्र नाराजगी देखी जा रही है। उनके मुताबिक नगर पालिका प्रशासन ने उन्हें अतिक्रमण हटाने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया और अचानक दलबल के साथ पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की, जबकि इस बाबत नगर पालिका प्रशासन का कहना है कि उन्होंने 15 से 20 दिन पहले ही इस बाबत शहर भर में लाउडस्पीकर के माध्यम से अतिक्रमण हटाने का लोगों से जाहिर तौर पर निवेदन किया था, लेकिन लोगों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। नगर परिषद कार्यालय डिगरा जारी सूचना। डिगरा शहर के सर्व नागरिक यादारे सूचित करने आते थे कि मुख्य अधिकाऱ्यांच्या लेखी परवानगी शिवाय या नागरिकांनी सार्वजनिक रस्त्यावर किंवा नाळीवर कोणतेही कुंपण, कठरा, घाम, गाला किंवा पक्षिपित होणारी संरचना किंवा कोणतेही अतिक्रमण केले असेल अशा नागरिकांनी तात्काळ अतिक्रमण स्वतः काढून घ्यावे, अन्यथा महाराष्ट्र नगर परिषदा नगर पंचायती अधिनियम 1965 ची कलम 179(3) नुसार नगर परिषद द्वारे मोहीम हाती घेऊन कोणत्याही वेळी अतिक्रमण काढून घेण्यात येईल याची नोंद घ्यावी करावे। मुख्य अधिकारी साहिबा नगर परिषद डिगर। कुल मिलाकर देखा जाए तो शहर में जारी अतिक्रमण हटाने की मुहिम आने वाले दिनों में निरंतर रूप से जारी रहेगी और अतिक्रमण से व्याप्त शहर के हर चौक चौराहों पर कार्यवाही का साया मंडराता रहेगा। NBC न्यूज़ के लिए दिगरस से जुबेर खान की रिपोर्ट।